हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज आवर समो स्पीकिंग। अगर तो आपने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा और अगर आपने देखना है तो अभी से पिक्चर पेरी की तरह पांव उल्टे घुमा के उल्टी कलाबाजी मार के यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं जो कि आपके शो के थ्रिलिंग मोमेंट्स पे सुसु कर देंगे। फिनाले का स्टार्ट ये होता है कि भाई देखो, पंचायत बैठती है जिसमें सारे टिड्डे, मोटे, काले, खुसरे और भैंस चोर किस्म के आदमी भी जमा होते हैं। डेनी का वेट करते करते लिटरली शब के जागे हुए तारों को भी नींद आने लगती है और खास तौर पे जोरा दी आशिक मोरमेंट को अपने यार की फिक्र खाई जाती है। यार दी खबर न काई। लेकिन तभी डेनी अपने ड्रैगन पे सवार होती हुई वो आसमान में धासु एंट्री मार के दबंग स्टाइल में आके लैंडिंग मारती है। आय हाय, और सबके मुंह फटे हुए मोजे की तरह हैरानी से खुल जाते हैं। पौन रामी राजा जी, भैंस चोर पौन रामी। और सीधा आके सरसी के सामने बैठ के उसे आंखों में बता रही होती है कि एक्स चेक किया बहन का। मैयत वाली ऑकवर्ड साइलेंस हो जाती है। फिर उसको खत्म करने के लिए टीरियन लैनिस्टर खड़ा होता है, क्योंकि भाई सीधी बात है, इतनी देर से सारे लोग अपनी पिट्ठी टिका के बैठे ले तो गेम शुरू की जाए। दी हाउंड अपने दादे की संदूक से बंदूक निकाल के संदूक फारिग करके उसमें एक उसी किस्म का व्हाइट वॉकर यानी कि बर्फानी भूत लेके आता है, क्योंकि सरसी को यकीन दिलाना होता है कि व्हाइट वॉकर्स एग्जिस्ट करते हैं। पहले तो व्हाइट वॉकर कहता है भाई मैं नहीं आना, बाहर बहुत गर्मी है। लेकिन फिर जब हाउंड उसको दया वाली किक मारता है तो वो अचानक निकल आता है, वो सीधा जाके सरसी के मुंह मुबारक के सामने खड़ा हो जाता है और लिटरली सरसी की हाथ में आ जाती है। मतलब कि ये हाथ है और ये सरसी की आ जाती है। फिर हाउंड उसको दो हिस्सों में बराबर तकसीम करता है और फिर दिखाता है कि देखो भाई अभी भी कितना डीट आदमी है, जा ही नहीं रहा, मतलब कि मर नहीं रहा। फिर जब हाउंड उसके साथ सही वाला हैंड करता है, मतलब उसका हाथ काट देता है, तो ये वाला बंदा आके उसका हाथ उठाता है और देखता है कि भाई अभी तक कैसे हिल रहा है ये हाथ, बैटरी कहाँ से डलती है इसमें। असल में ये बंदा उनका हकीम है, ये तिबी इमदाद वगैरह करता है, तो अकेले अकेले एक्सपेरिमेंट करता है। मतलब नाउ ही कैन यूज एन एक्स्ट्रा हैंड। सॉरी, ये थोड़ा बर्गरों वाला जोक था। फिर जॉन भाई डेमो देखो बताते हैं कि भाई देखो इनकी मदर सिस्टर टुगेदर यानी कि माँ भेड़ एक करने के लिए दो तरीके हैं। पहला जला दो, दूसरा ड्रैगन ग्लास घुसेड़ दो। जॉन पूछता है कि बीबी सरसी अब तुम्हारा क्या फैसला है, मिलके लड़ते हैं वरना इंसानों का अंजाम बहुत बुरा होगा। यूरोन ग्रेजा की फट जाती है, वो इजी लोड का बहाना मार के उधर से निकल जाता, वापस ही नहीं आता। डेनी कहती है कि मैंने भी जब तक खुद नहीं देखा था मुझे भी डड्डू की डुई की कसम यही लग रहा था कि जॉन उसमें चवले मार रहा है, पर ये तो अब सीरियस शिट है। सरसी ओके की रिपोर्ट देती है और बोलती है कि ठीक है हम साथ साथ हैं, लेकिन एक शर्त है कि तुम और डेनी आपस में नहीं मिलोगे, यानी कि रंग रलियां नहीं मचाओगे, चुम्मा चाटी नहीं चलेगी, फाशी नहीं चलेगी। लेकिन अपना लौंडा स्नो मतलब मुद्दतों का तरसा आदमी वो कहता है कद्दू में दूर होता उससे। सरसी कहती है ठीक है चल रहन दे, खुद ही निपट लियो नाइट किंग के साथ। ब्रेन जो है वो जाके जेमी को कहती है वो समझा अपनी भैन नु, वरना हम सबकी भैन दा फलूदा हो जाएगा। ब्रेक टाइम देख के जॉन और डेनी कॉलेज के बिगड़े हुए बच्चों की तरह खोपचे में जाके दो घड़ी प्यार की बातें करते हैं कि उधरी टीरियन टिड्डा वहां पे सरसी को ले आता है वापस। अब सरसी पक्की हो जाती है कि ठीक है आन दे उस नाइट किंग की माँ की नागासा की। वहां नॉर्थ में लिटिल फिंगर प्योर फुफों की तरह दो बहनों के बीच में दीवार और दरार डालने की कोशिश करता है और वहां जोरा द आशिक मोरमेंट सलाह मशवरा देता है कि देखो डेनी डार्लिंग तुम उड़ के जाना नॉर्थ, एक्स का एक्स भी मचेगा और जान भी बच जाएगी। लेकिन डेनी की जान तो जॉन में फंसी हुई है तो वो उसके साथ ही रहना चाहती है। सैड लाइफ यार, बेचारा कब से एक ही चीज कहना चाह रहा है, मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो। इतनी बेरुखी ठीक नहीं है डेनेरिस। कहते हैं कि 12 महीने बाद बेलिश जैसे धंधा करने वाले को भी गैरत आ जाती है, तो फिर थियोन का मरदजात भी बाहर आया और थियोन ने बड़े अरसे बाद हुक्म दिया कि भाई देखो मेरी बहन को बचाने जाना है यार। लेकिन एक बदतमीज बंदा था जिसने बोला कि देखो यार हम भैंस चोर हैं, हम चोरी करते हैं, हम चोरी करने जाएंगे, जिस पे फड्डा हो जाता है और वो थियोन की शर्म का पे खिच खिच के ठुड्डे मारता खिच खिच के। नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं 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 लगता, कहता है बेटा पोंका मुझे कुछ फील होना है, इधर की तो मेरी वायरिंग ही खराब हुई है, बेटा मेरा तो फ्यूज ही उड़ा हुआ है, मेरी तो प्लग ही किसी ने निकाल दी है भाई। लेकिन रिएक्शन में थियोन को आ जाता है गुस्सा और उसे मार देता है। वहां बेलिश भाई के अनएक्सपेक्टेडली सारे काले करतूत बाहर आ जाते हैं और आरिया उसको फारिग करा देती है। सरसी जेमी को बताती है कि मैं सबका चेक काट रही थी, मैं किसी ड्रैगन की अम्मा के साथ नहीं हूँ, ना ही किसी नाजायज किंग के साथ हूँ मैं, जिस पे जेमी का रिएक्शन कुछ इस तरह होता है। तुझ साथ तो नहीं हूँ। फैंस को तो पहले पता होता है, लेकिन क्रिपल बॉय अब रिवील करता है कि जॉन टारगेरियन है। जॉन और डेनी का चक्कर तो पता होगा आपको। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है। लेकिन अब जॉन को हवसीर का बुखार फुल ऑन होता है भाई, वो डेनी के दरवाजे पे दस्तक देता है और अंदर घुस जाता है भाई, अंदर घुस के फट जाता है भाई, जिसकी वीडियो क्लिप मैं नहीं दिखा सकता वरना मुझे अपनी माँ के छितर पड़ेंगे, मतलब मादर छितर पड़ेंगे मुझे। बट आई रियली फील बैड फॉर जोरा। अब अगर जोरा दी आशिक मोरमेंट और जॉन्स में मिले तो शायद इस तरह का सीन होगा। तू उसके कमरे में क्या कर रहा था, ये दाल क्यों दबा रखा, तेरे गाल लाल क्यों है,
लिपस्टिक गई नहीं यहाँ से। लिपस्टिक ऐसे ऐसे आगे बोल रहे यार, सुन तो सही, बता दो ना। हो गया सब, खा गया, कुछ नहीं बचा। और वॉल की साइड पे बालकनी में हवा खाने जब ये दो बंदे जाते हैं तो व्हाइट वॉकर्स भी ना लिया जाते हैं। नाइट किंग बर्फानी ड्रैगन पे सवार होते हुए पूरा अपना एक्स मचाते हुए ड्रैगन के मुंह से लिक्विड नाइट्रोजन थुकवाते हुए सारी सरहदें मिटा देता है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही वन ऑफ द बेस्ट टीवी शोज गेम ऑफ थ्रोन सीजन 7 का एंड होता है। अभी अगर किसी ने देखना है तो कोई फायदा नहीं, बहुत सारे स्पॉइलर हो गए। सब्सक्राइब सब्सक्राइब।